धन्यवाद करता हूं। दिलेश्वर कामत जी, जो माननीय सदस्य बजट के ऊपर अपने भाषण ले करना चाहते हैं, कृपया कर सकते हैं। 3 मिनट में अपनी बात कहने की कोशिश कीजिए प्लीज। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बस 2023-24 केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, समावेशी विकास की इस बजट ने अनदेखी की गई है। यह बजट गरीब विरोधी बजट है। महंगाई आसमान छू रहा है, उस पर काबू पाने का कोई उपाय इस बजट में नहीं है। अमृत पीढ़ी के नाम पर युवाओं को नया झांसा दिया गया है। बेरोजगारी दूर करने का कोई योजना नहीं है। वादा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, उसका क्या हुआ? यही हुआ कि अधिकांश विभागों में प्राइवेटाइजेशन कर युवाओं को नौकरी से दूर किया जा रहा है। महोदय, स्मार्ट सिटी योजना का क्या हुआ? किसानों को वर्ष 2022 दिसंबर तक आय दूनी करने का क्या हुआ? 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर क्या हुआ? बजट में इसका कोई चर्चा नहीं है। जातिगत जनगणना पर सरकार मुकर रही है। मनरेगा ग्रामीण मजदूरों की लाइफ लाइन है। यह योजना मात्र 62,000 करोड़ रुपया से सभी कटौती के बाद 42,000 करोड़ ही बचेगा। इससे तो सभी मजदूरों को 30 दिन तक काम ही नहीं मिलेगा, जब मनरेगा उन्हें 100 दिन की गारंटी देती है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य को 3-3, 4-4 किस्त केंद्र सरकार के पास लंबित है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग लंबित है। विकास का सपना तभी पूरा होगा जब बिहार जैसे पिछड़ा राज्यों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बिहार को भी विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ समस्याओं को रखना चाहता हूं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल में नई रेल परियोजना सुपौल अररिया, जो कि सामरिक दृष्टि से महत्व को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्र के लिए 235 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया है। उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता अनुसार धन राशि का जल्द से जल्द व्यवस्था कर इस परियोजना को पूरा किया जाए। महोदय, 86 वर्ष के बाद मिथिलांचल तथा कोसी प्रमंडल को जोड़ने के लिए कोसी ब्रिज पर रेल परिचालन प्रारंभ हुआ। लगभग 2 वर्ष हो गए, किंतु आज तक इस जिले को राज्य की राजधानी पटना तथा देश की राजधानी दिल्ली तथा इस क्षेत्र के को देश के अन्य भागों से रेल सेवा से जोड़ा नहीं गया। मात्र 3 जोड़ा ट्रेन पैसेंजर ट्रेन चल रही है, जो सहरसा से लेकर दरभंगा इसी रेलवे में चल रही है। महोदय, मैं इस अवसर पर मैं मांग करता हूं, दानापुर सहरसा गाड़ी संख्या 13205, 13206 जनहित एक्सप्रेस तथा नई दिल्ली से सहरसा वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12554, 12553 को भाया सुपौल सरायगढ़ झंझारपुर दरभंगा होते हुए पटना तथा नई दिल्ली परिचालन किया जाए। इससे इस सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा तथा कटिहार बरौनी रेलखंड पर भी भार कम होगा। ट्रेन संख्या 13331, 13332 जो पटना इंटरसिटी चलती है, इंटरसिटी एक्सप्रेस जो पटना से सहरसा तक आती है, उसे फारबिसगंज तक विस्तार किया जाए। महोदय, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रेल लाइन जो प्रतापगढ़ से भीमनगर बतनाहा 57 किलोमीटर 1934 के भूकंप में ध्वस्त हुआ था, आज तक भी वह उसकी जमीन पड़ी हुई है। अगर उस पर रेल लाइन चलेगी तो जमीन का भी अधिग्रहण करना नहीं पड़ेगा और उस क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों को इसका लाभ मिलेगा। तो इसका सर्वे करा के जल्द से जल्द रेल परिचालन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। महोदय, पूर्व मध्य रेलवे से के ललित ग्राम से फारबिसगंज तक अमान परिवर्तन का काम पूरा हो चुका है तथा CCRS का इंस्पेक्शन भी हो चुका है। अतिशीघ्र उक्त खंड पर फारबिसगंज से सहरसा तथा दरभंगा तक एवं डिब्रूगढ़ राजधानी को भाया सरायगढ़ झंझारपुर तथा दरभंगा होते हुए दिल्ली ले जाने से समय और दूरी की बचत होगी और साथ ही साथ उस क्षेत्र के करीब 5-7 जिलों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।